मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जो है उनकी जो दिशा है अलग ही दिशा में बदल गई है। ऐसे में बता दें कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। कल भी मुख्यमंत्री का जिस तरीके से वक्तव्य आया, उसका एक दिन पहले भी महिलाओं को जिस तरीके से आपत्तिजनक जो बयान दिए मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो कल जो जीतन राम मांझी के ऊपर जिस तरीके से बयान दिए उसको लेकर निंदा की जा रही है। मेरे साथ बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं आलोक रंजन जी। सर ये बताइए, जिस तरीके से जीतनराम मांझी का मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसको लेकर किस तरीके से? नहीं देखिए, मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन साफ समाप्त हो चुका है, और ये कोई आज से नहीं, बिहार को लगभग 2 साल से बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से उनके द्वारा महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी किया गया, और इसके पूरा जिससे बिहार शर्मसार हुआ, पूरे देश दुनिया में बिहार शर्मसार हुआ, इसके तुरंत बाद दलितों के ऊपर उसी प्रकार का जिस प्रकार से उन्होंने तुम तराक की भाषा का उपयोग किया, ये स्पष्ट बता रहा है कि महागठबंधन के सरकार की और महागठबंधन के लोगों का मानसिक स्तर महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति क्या है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद तो हद ये होता है कि जब उसके विधायक इस खुशी में लड्डू बांटते हैं तो हद कर देते हैं, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमको लगता है कि जल्दी से जल्दी यदि मुख्यमंत्री या तो इनको तुरंत इस्तीफा दे के हट जाएं, और नहीं तो इनका इलाज तुरंत कराएं, नहीं तो बिहार का बेड़ा गर्क कर देंगे ऐसे मुख्यमंत्री यदि रहेंगे तो। कल जिस तरीके से जीतनराम मांझी के ऊपर जो बयान दिया, और उसके जो कुछ मिनट पहले जो एक बीजेपी के विधायक थे, एक आरजेडी के विधायक, दोनों में आपस में झड़प हो जाते हैं दोनों का? नहीं देखिए, बीजेपी आरजेडी नहीं है, आरजेडी के लोगों की मानसिकता आप जानते हैं, वो तो जंगल राज गुंडा राज वाले लोग हैं। तो वो तो कभी भी अपनी मानसिक, जब ही बिहार में जब से वो यहाँ सरकार में आए हैं उनकी मानसिकता बदल गई है, और बिहार में गुंडा राज स्थापित कर दिए, तो वो किसी से अच्छा ढंग से उसका संस्कार ही नहीं है कि ठीक से वो किसी से बात कर सकते हैं, इसलिए उनको अपने संस्कार के हिसाब से ही वो बात करते हैं। और जब उसके, अब तो क्या कहा जाए, अब तो उनके मुखिया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो कहते हैं सेक्स एजुकेशन चल रहा है, वो कहते हैं कुछ मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहें, वो एकदम बिल्कुल ठीक कहें। तो जब उनको यही अब अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री जी सेक्स एजुकेशन विधानसभा में दें, उनको अच्छा लगता है कि दलित का इसी तरह विधानसभा में अपमानित करें, तो अब उनके ऊपर भी अब कुछ आप नहीं बोल सकते हैं, इसलिए उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इन लोगों को, दोनों को इस्तीफा दे के नहीं हो तो फिर जनादेश में जाना चाहिए। सदन के आखिरी दिन है और जनता का पैसा से लोग सदन, विधायक लोग चुन के आते हैं, जनता के मुद्दा न उठकर यहाँ पे सिर्फ तुम तमाम पे हुआ, अब मुद्दा उठ रहे हैं। नहीं देखिए, जनता कहीं ये, आप किसी दलित महादलित का इस प्रकार से अपमान करेंगे इस राज्य में, ये कभी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चलिए, ये थे आलोक रंजन, पूर्व मंत्री और अभी बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता के गाढ़ा पर कमाई से ये सदन चलता है, लेकिन सदन में जो है जनता के मुद्दे न उठकर सिर्फ तुम तमाम पे होता है। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज बाइस को पटना। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलीडे में मात्र 200 रुपए में, पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।